डीआरडीओ की तरफ से इसी साल के अंत तक हमारी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की प्रोडक्शन वेरिएंट की टेस्टिंग करने का प्लान किया जा रहा है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी अरबियन सी में एक फिशिंग बोट से इतनी सारी नार्कोटिक्स को जब्त किया गया है, उसको बेचने के बाद हम आसानी से 2 से 3 कलवरी क्लास के सबमरीन को भी खरीद सकते हैं। इंडियन नेवी की तरफ से अभी 3 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को खरीदने का विचार किया जा रहा है। वैसे इसका प्रीवियस अपडेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। भारत और फ्रांस के बीच अभी अरबियन सी में एक मेगा नेवल एक्सरसाइज को शुरू किया जाने वाला है, जिसमें इस बार यूएई भी शामिल होने वाला है। और अंत में अगर मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में JF-17 और तेजस में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा तो इसमें तेजस की सिलेक्ट होने की चांसेस ज्यादा रहेगी या फिर JF-17 की सिलेक्ट होने की चांसेस ज्यादा रहने वाली। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके। आप सबको याद होगा डीआरडीओ की तरफ से अभी एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप किया जा रहा था, जिसको पहले भी टेस्ट किया जा चुका है और सभी टेस्ट अभी तक इसके सफल रहे थे। पिछली बार इसको 2019 में टेस्ट किया गया था और 2020 के अंदर ही इसकी सभी डेवलपमेंटल ट्रायल को कंप्लीट करने का प्लान किया गया था, लेकिन बीच में पैंडेमिक वगैरह घुस गया था और इसी वजह से इसकी टेस्टिंग को पोस्टपोन करना पड़ा था। लेकिन अभी दोबारा से इसकी टेस्टिंग प्रोसेस को शुरू करने का फैसला किया गया है और अगर इन टेस्टिंग के दौरान रिजल्ट सेटिस्फेक्टरी रहते हैं तो आगे चल के यानी कि अगले साल तक इसका प्रोडक्शन शुरू करने का एम रखा जा रहा है। इसके लिए अभी भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी टॉनबो इमेजिंग के साथ मिलकर एक लाइटवेट क्लास की इन्फ्रेड इमेजिंग सीकर को डेवलप किया जा रहा है, जिसको अभी क्रायोजेनिक कंप्रेसर के बिना डेवलप किया जा रहा है और इसको अभी AI बेस्ड सिस्टम को बेस करके डिजाइन किया जा रहा है, जो कि मिसाइल को टैंक्स की सबसे वीक पॉइंट को ढूंढकर वहां पे हिट करने में मदद करने वाला है। अभी बताया जा रहा है कि मिसाइल की सीकर को डेवलप करने की प्रक्रिया काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है और इसकी मास प्रोडक्शन को अभी जल्दी से शुरू करने के लिए अलग अलग प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इसमें इन्वॉल्व करने का प्लान किया गया है। अभी इसी साल के एंड तक इसकी प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट को टेस्ट किया जाएगा, जिसमें सभी मेजर कंपोनेंट होने वाले हैं, जैसे कि कमांड एंड लॉन्च यूनिट, वॉरेड, लेजर डिजिनेटर जैसे ये सभी सिस्टम मौजूद रहने वाली है। इससे पहले आपने देखा होगा जब तक इसको टेस्ट किया गया था इसको सिर्फ लॉन्चर से ही फायर किया गया था, पर इस बार फुल प्रोडक्शन कॉन्फिगरेशन के साथ इसकी टेस्टिंग करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी को लेकर एक से ज्यादा अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अरबियन सी में आज तक का सबसे बड़ा नार्कोटिक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। नेवी की तरफ से इशू किए गए ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक आज इंडियन नेवी की तरफ से अरबियन सी से एक फिशिंग वेसल से लगभग 300 केजी के आसपास की नार्कोटिक्स को जब्त किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 3000 करोड़ के आसपास होने वाली है। नेवी की तरफ से इशू किए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक आज आईएनएस सुवर्णा अपनी रेगुलर पेट्रोल मिशन में था, जिस दौरान एक संदेहजनक बोट की मूवमेंट उनको नजर आई थी, जिस वजह से नेवी की तरफ से उस बोट को रोका गया था और उसकी छानबीन की गई थी और छानबीन करने के बाद वहां पर से लगभग 300 केजी के आसपास नार्कोटिक्स को बरामद किया गया था। नेवी का कहना है कि एक बहुत ही बड़ी इशू है और आमतौर पर ऐसे स्मगलिंग वाली एक्टिविटी को मकरण कोस्ट के आसपास से किया जाता है, जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के अंदर आती और यहाँ से इनको मालदीव से या श्रीलंका भेजा जाता है या फिर इसी रास्ते इनको भारत में लाने की कोशिश किया जाता है। इसके अलावा आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि चेल की तरफ से भी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की एक Mk3 वेरिएंट को सिसिली नेवल ऑपरेशन के लिए मॉडिफाई किया गया था। ऐसे टोटल 16 हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए अभी ऑर्डर भी दिया गया था और इसमें से अभी पहली यूनिट को HAL की तरफ से नेवी को डिलीवर किया गया और अभी ऑफिशियली इसकी पहली यूनिट को नेवल एयर स्क्वाड्रन में यानी कि 323 स्क्वाड्रन में शामिल कर दिया गया। इसको सिसिली सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, कोस्टल सर्विलेंस मिशन या फिर स्पेशल ऑपरेशन को करने के लिए डिजाइन किया गया और प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले इसमें बेहतर एवियोनिक्स सिस्टम और एक वाइडर एंगल की फुल ग्लास कॉकपिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अगला अपडेट इंडियन नेवी की सबमरीन्स को लेके। आप सबको पता होगा कि अभी भारत की तरफ से 6 नए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को बनाने का फैसला किया जा रहा है और इसके लिए एक टेंडर को जल्दी फ्लोट करने का फैसला किया गया है और अभी 1 या 2 महीनों के अंदर इसके लिए अप्रूवल भी मिलने वाली है। पहले ऐसे 3 सबमरीन को ही बनाने के लिए अप्रूवल दिया जाएगा और फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर बाद में एडिशनल 3 सबमरीन के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, लेकिन इनको बनाकर नेवी में शामिल करने के लिए हमें कम से कम 2032 तक का वक्त लगने वाला है। साथ ही प्रोजेक्ट 75I के अंदर भी बनने वाले सबमरीन भी हमको 2027 से पहले नहीं मिलने वाले। इसी वजह से अभी नेवी की तरफ से एडिशनल कलवरी क्लास के सबमरीन को खरीदने का विचार किया जा रहा है।
आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर हम 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को बना रहे हैं और इसमें से ऑलमोस्ट 3 हमको डिलीवर किए जा चुके हैं और बाकी 2 सबमरीन की अभी सी ट्रायल चल रहा है और साथ ही आखिरी वाला सबमरीन का भी आउटफिटिंग चल रहा है। इसी बीच नेवी की तरफ से एक फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को भी बनाने का विचार किया जा रहा है, जिनको वर्तमान की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की डिलीवरी पूरा होने के बाद बनाना शुरू किया जा सकता है, यानी कि 2022 तक लगभग सभी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो जाएगी और इसकी सी ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। और अगर अभी एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया तो इनको भी 2022 से बनाना शुरू किया जा सकता है और 2025 तक इनको इंडियन नेवी को डिलीवर करने का काम रखा जा रहा है। और इसके बाद फिर 2025 से कलवरी क्लास की सबमरीन्स में AIP सिस्टम को इंस्टॉल करना शुरू किया जाएगा, जिसमें हर एक सबमरीन को रिफिट करने में लगभग 10 से 12 महीने का वक्त लग सकता है। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर भारत यहाँ पर 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन को बनाता है तो इसमें AIP सिस्टम के साथ साथ और ज्यादा मात्रा में इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इनको अभी सुपर कलवरी क्लास के सबमरीन भी कहा जा रहा है और इनकी जो डिस्प्लेसमेंट होने वाली वो वर्तमान के कलवरी क्लास के सबमरीन के मुकाबले थोड़े बड़े होने की उम्मीद किया जाए और इसमें वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स को भी ऐड करने का विचार किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल को या फिर निर्भय मिसाइल को कैरी किया जा सकेगा। लेकिन जो भी अगर यहाँ पर एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया तो इनमें पहले से AIP सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाएगा, चाहे वो सुपर कलवरी क्लास के सबमरीन हो या फिर वर्तमान की हमारी नॉर्मल स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन हो। अगला अपडेट वरुणा एक्सरसाइज को लेकर, आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि अभी भारत और फ्रांस के बीच एक और नेवल एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया, जिसको 25 अप्रैल से शुरू किया जाएगा और इसमें फ्रांस की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पार्टिसिपेट करने वाला है। जबकि भारत की तरफ से इसमें आनस विक्रमादित्य शामिल होगा या नहीं, ये बात पहले कंफर्म नहीं था, लेकिन अभी बताया जा चुका है कि इसमें आनस विक्रमादित्य पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। लेकिन इंडियन नेवी की तरफ से इसमें हमारे 2 से 3 टॉप ऑफ द लाइन डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट जैसे वॉरशिप्स और सबमरीन के साथ साथ पीटा एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें आनस विक्रमादित्य शामिल होने वाला था, लेकिन अभी इसका शेड्यूल मेंटेनेंस चल रहा है, इस वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। बाकी फ्रांस की तरफ से इसमें 40 दगौली एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ 2 फ्रिगेट और 1 टैंकर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वैसे फ्रांस की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिड मार्च से ही अरबियन सी में मौजूद है और इस रीजन में वो US नेवी की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज को पहले भी कंडक्ट कर चुके हैं। अब इस बार की जो नेवल एक्सरसाइज या वरुणा एक्सरसाइज होने वाला है, इसके अंदर पहली बार UAE पार्टिसिपेट करने वाला है, लेकिन भारत और फ्रांस के बीच इसको 1993 से ही कंडक्ट किया जा रहा है। तो अब तक इसको एक बायलैटरल एक्सरसाइज के तौर पर कंडक्ट किया जा रहा था, जो कि अभी से एक ट्राइलैटरल एक्सरसाइज हो सकता है। इसमें मेनली सभी प्रकार के नेवल ऑपरेशन जैसे कि सरफेस टू सरफेस वॉरफेयर, सरफेस टू एयर वॉरफेयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर को कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही इसमें अलग अलग तरह की नेवल ड्रिल को भी कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अभी इसमें UAE परमानेंटली पार्टिसिपेट करने वाला है नहीं, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अगला अपडेट महिंद्रा की तरफ से है। आप सबको याद होगा हाल ही में ही महिंद्रा की लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल को खरीदने के लिए आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑर्डर को प्लेस किया गया था और वैसे भी बढ़ रही सिक्योरिटी चैलेंज को देखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से भी बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को या लाइट आर्मर्ड व्हीकल को खरीदने के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसी बीच महिंद्रा की तरफ से अपनी लीजेंडरी व्हीकल स्कॉर्पियो को एक बुलेट प्रूफ व्हीकल में कन्वर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है या फिर स्कॉर्पियो की एक लाइट आर्मर्ड वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है। मोटर ऑक्टेन की तरफ से रिलीज किए गए कुछ वीडियोज और इमेजेस में स्कॉर्पियो को बुलेट प्रूफ विंडोज के साथ देखा गया था और इसको आप महिंद्रा की पहले के रक्षक व्हीकल के साथ या उसके विंडो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब ये AK-47 के राउंड्स को 10 मीटर की दूरी से भी रोक सकता है, साथ ही ग्रेनेड अटैक्स को भी झेल सकते हैं, जिस वजह से इन मॉडल्स में इस्तेमाल किए गए स्टील नॉर्मल स्कॉर्पियो में इस्तेमाल होने वाले मेटेरियल के मुकाबले काफी अलग होने वाला है। और इसकी बॉडी को बनाने के लिए अल्ट्रा हार्डन स्टील, कंपोजिट स्टील और पॉलीएथिलीन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। नॉर्मली स्कॉर्पियो में 2.2 लीटर की एमहॉक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लगभग 140 bhp और लगभग 320 न्यूटन मीटर की टॉर्क को जनरेट कर सकता है। आर्मी वेरिएंट में भी ये सेम इंजन होने वाले, लेकिन इसको थोड़ा डिफरेंटली ट्यून किया जाएगा। इसके अलावा आर्मी वेरिएंट में बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ टैंक्स होने के साथ साथ पंक्चर प्रूफ टायर और 360 डिग्री कैमरा जैसे सिस्टम को ऐड करने की उम्मीद किया जा रहा है। और अभी जिस स्कॉर्पियो को रोड पे स्पॉट किया गया था उसमें भी ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि इसको अभी आर्मी के लिए डिजाइन किया गया था और उसी का अभी ट्रायल किया जा रहा है। अगला अपडेट मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेकर। अब तक आपको पता होगा कि मलेशिया की तरफ से अभी अपनी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में एक फाइटर जेट को सिलेक्ट करने के लिए तेजस को इवेल्युएट करने का फैसला किया गया है और वो अगले महीने तक तेजस को इवेल्युएट करने के लिए भारत आने वाले हैं। इसी बीच कुछ रिपोर्ट सामने आए थे जिसमें ये बताया गया था कि मलेशिया की तरफ से भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में
JF-17 और साउथ कोरिया की FF-50 को फाइनल कंटेंडर के तौर पर सिलेक्ट किया गया है, लेकिन इसको अभी मलेशिया की तरफ से खारिज कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अभी भी मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर जारी है, जिसमें अभी 36 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया है और फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर एडिशनल 26 एयरक्राफ्ट को भी बाद में खरीदने के लिए एडिशनल क्लॉज को ऐड किया जा सकता है। अब इस टेंडर में सबसे बड़ा जो कंपटीशन होने वाला है वो JF-17 और तेजस के बीच होने वाला है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले बाकी सभी एयरक्राफ्ट मेनली ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिनको डेडिकेटेड अटैक या कॉम्बैट रोल के लिए डिजाइन नहीं किया गया। बाकी ग्रिपिन भी एक अच्छा चॉइस है, लेकिन तेजस या JF-17 के मुकाबले मलेशिया को काफी महंगा पड़ सकता है। तो बजट के हिसाब से यहाँ पर तेजस और JF-17 ही मलेशिया के लिस्ट में फिट होने वाला है। ऐसे सिचुएशन में तेजस की सिलेक्ट होने की चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी भारत की तरफ से तेजस की MK1A वेरिएंट को मलेशिया को ऑफर किया जा रहा है, जो कि JF-17 के मुकाबले हर मामले में बेहतर होने वाला है, चाहे वो रडार हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो या कोई एवियोनिक सिस्टम हो। साथ ही मलेशिया के जो मेन कंसर्न होने वाला है वो एयरक्राफ्ट की सर्विस और मेंटेनेंस इशू होने वाला है, क्योंकि JF-17 में MiG-29 की RD-33 सीरीज की इंजन का इस्तेमाल किया था, जिनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से एंटायर MiG-29 स्क्वाड्रन को अभी मलेशिया की तरफ से ग्राउंडेड कर दिया गया है। और इस इंजन को लेके मलेशिया को अभी पहले से ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और मेनली इसको लेके मलेशिया को भी मेंटेनेंस से रिलेटेड इश्यूज सामने आ रहे हैं, जिस वजह से वो दोबारा से सेम इंजन को बेस करके किसी भी एयरक्राफ्ट को खरीदने से पहले जरूर सोचने वाले हैं। बदले में तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक की 404 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फिलहाल मलेशियन एयरफोर्स के F-18 सुपर हॉर्नेट में इस्तेमाल होने वाली इंजन है, और इस इंजन को लेके और इसकी परफॉर्मेंस को लेके मलेशिया काफी खुश है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो तेजस की सिलेक्ट होने की चांसेस काफी बढ़ सकती है। और यहाँ पर एक और मेजर कारण ये भी हो सकता है कि मलेशिया अभी चाइना के बर्ताव से खुश नहीं है, और इसी वजह से वो चाइनीज इक्विपमेंट को अवॉइड करने वाले हैं, क्योंकि अगर वो JF-17 के साथ गए तो उनको चाइनीज ओरिजिन वेपन्स को खरीदना पड़ सकता है, जबकि तेजस में वो रशियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन या फिर यूरोपियन ओरिजिन कोई वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेजस में इस्तेमाल किए गए सभी इक्विपमेंट की बात करें तो वो पहले से टेस्ट किए गए ट्रस्टेड इक्विपमेंट है, जबकि चाइनीज वेपन्स की बात करें तो इनको अभी तक कभी भी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अलावा किसी भी एयरक्राफ्ट को खरीदने की जो प्रक्रिया होती है वो काफी लेंदी होता है, और इसमें एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन के अलावा रूलिंग गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो भी काफी बड़ा होता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।